नमस्कार दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है। जी हां, 69,000 शिक्षक भर्ती में कटऑफ मामले को लेकर बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इलाहाबाद सिंगल बेंच के जो ऑर्डर को कटऑफ मामले ऑर्डर को डबल बेंच में चैलेंज किया गया था, जिसका आदेश फिलहाल अभी रिजर्व हुआ था 2 दिन पहले और आदेश आज जारी होना था। तो वो आदेश सार्वजनिक तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपलोड कर दिया गया है। बड़ी अपडेट आ गई है कटऑफ मामले को लेकर, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया इस मामले से काफ़ी निर्भर थी, इस पर काफ़ी बदलाव हो सकता था। तो यहाँ पर खुशखबरी है 69,000 शिक्षकों के लिए और झटका है शिक्षा मित्रों के लिए। तो पूरे अपडेट के लिए देखते हैं इस कटऑफ मामले के आए हुए आदेश को। आप देखेंगे कि स्पेशल अपील 832/2019 रीना सिंह एंड 74 अदर के द्वारा ये अपील दायर की गई थी। इसमें कुछ और ऐड थे, जैसे कि 907 स्पेशल अपील ऐड थी, ठीक है। और ये जो ऑर्डर सुनाया गया है वो शशिकांत गुप्ता जी, सौरभ श्याम के जज महोदय के माध्यम से ये ऑर्डर सुनाया गया है। यहाँ पर सभी चीज़ें, यहाँ पर जो लखनऊ बेंच का सिंगल बेंच का आदेश था, साथ में डबल बेंच का जो आदेश जारी हुआ 60-65 कटऑफ मामले को लेकर, वो भी इसके साथ अटैच करवाया गया। और जो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्रों के द्वारा मैटर दायर किया गया, उसे भी यहाँ पर साफ तौर पर दर्ज करवाया गया। तो ये सभी चीज़ें आपको इस ऑर्डर में पूरे डिटेल से देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है, ठीक है। सभी चीज़ें यहाँ पर कैटेगरी का, यहाँ पर ये लखनऊ बेंच का जो डबल बेंच का ऑर्डर है उसके बारे में देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि 60-65 के माध्यम से इस ऑर्डर को जारी किया गया है। उसी हिसाब से सभी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। जो डिले हुआ है, एप्लीकेशन संख्या वो 1 नंबर की क्यों हुई है, वो यहाँ पर पूरी डिटेल से बताया गया है। तो ये सब जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। हम आपको डायरेक्ट पॉइंट बताते हैं कि इस आदेश का निचोड़ क्या है, इस आदेश में आखिर में बताया क्या गया है, उस चीज़ पर हम डायरेक्ट चलते हैं। तो पेज के सबसे अंतिम में यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 27 मई 2020 को ये ऑर्डर जारी किया गया है, जो कि आज ये सार्वजनिक तौर से देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आप देख पाएंगे कि जो सरकार की ये अपील थी वो उसे अलाउ कर दिया गया है। अलाउ करने का मतलब ये हो गया कि जो लखनऊ डबल बेंच का आदेश आया था 60-65 का, जी हाँ 60-65 का जो आदेश आया था, उसे भी इलाहाबाद बेंच ने अलाउ कर दिया है। यानी कि 60-65 की यहाँ पर जीत हो गई है स्पेशल अपील के माध्यम से, सरकार की यहाँ पर जीत हुई है। लेकिन शिक्षा मित्रों को यहाँ पर बड़ा झटका लग गया है, क्योंकि उनके द्वारा ये 60-65 न करके 40-45 की अपील थी, इसलिए उनको ये झटका लगा है। लेकिन फिलहाल भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अगर ये ऑर्डर विपरीत आता तो कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता। तो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन यही है, ऑर्डर 60-65 पर आया है, सभी के लिए अच्छी खबर है। भर्ती प्रक्रिया आगे इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।